तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो यार स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल टेक शुरू पर। और यार जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पर मैं एक और एक वीडियो लाया हूँ जहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपको ख़रीदना चाहिए आप अगर गेमिंग करते हैं कुछ ज़्यादा ही। तो यार आज के इस वीडियो को आप अगर अंत तक देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन है। और यहाँ पर गाइस ये जो डिस्टेंस है यानी कि मैं 10,000 से लेकर 16,000 के बीच जो अच्छे स्मार्टफोन है जो कि आपको ख़रीदना चाहिए ऐसे स्मार्टफोन की बात करूँगा। और यहाँ पर मैं एक ब्रांड नहीं लगभग 3 से 4 ब्रांड का यहाँ पर नाम लूँगा, तो उन सभी ब्रांड को आप परचेस कर सकते हैं और जो कि मार्केट में अच्छी खासी वैल्यू के साथ अच्छे खासे स्पेक्स के साथ आते हैं। तो यार चलिए देखते हैं उन सभी स्मार्टफोन को। तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम इस तरह के एंड्रॉइड से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ, 10K का सब्सक्राइबर फैमिली कंप्लीट कराने के लिए तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा आपको। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। तो इस वीडियो पर कुछ चीज़ें हर फोन में कॉमन होगी, जैसे कि यहाँ पर 6GB रैम यहाँ पर होनी ही चाहिए उस स्मार्टफोन पर जो भी मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो भी स्मार्टफोन मैं बताने वाला हूँ उस पर 6GB रैम होगा और यहाँ पर 128GB रोम और यहाँ पर 5000mAh की बैटरी और यहाँ पर 6.5 इंच के ऊपर सभी डिस्प्ले होने वाले हैं, सभी HD+ होने वाले हैं और यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ पर गाइस जो पहला स्मार्टफोन है तो वो है पोको M2। तो यहाँ पर इसका प्राइस आपको 11,000 के करीब देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं यहाँ पर 6GB का रैम दिया जाता है, 128GB का रोम दिया जाता है आपको, उसके साथ ही 6.53 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, 13MP कैमरा यहाँ पर आपको जो बैक कैमरा दिया जाता है और यहाँ पर उसके साथ 8MP 5MP एंड 2MP का कैमरा दिया जाता है। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको 8MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, उसके साथ ही जैसे कि 5000 मैंने बताया है पहले से ही हर फ़ोन पर 5000mAh के ऊपर बैटरी होंगे, तो इस पर भी 5000mAh का बैटरी है। और यहाँ पर MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर है जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है और आपके जो यहाँ पर जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ना तो वो थोड़ा अच्छा भी लगेगा क्योंकि तो आपको वो प्रोसेसर अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस देगा। और भी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 80W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है जैसे कि मैंने बताया है। और यहाँ पर मैंने ये सभी फ्लिपकार्ट से जो है वो सभी यहाँ पर देख लिया है मैंने, इन सभी का जो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन है प्राइस है तो सभी आपको फ्लिपकार्ट पर देखने को मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन पर भी उन सभी फ़ोन्स का लिंक आपको देखने को मिलेगा, तो आप अगर चाहे तो वहाँ से भी आप इन सभी को परचेस कर सकते हैं या फिर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा अगला स्मार्टफोन है तो वो है Redmi 9 Power और इसके प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको 12,999 रुपीज़ का यहाँ पर प्राइस देखने को मिलता है। और अगर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 6GB का रैम दिया जाता है, 128GB का रोम दिया जाता है, उसके साथ यहाँ पर 6.5 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले है, 48MP का यहाँ पर रियर कैमरा दिया जाता है, उसके साथ ही 8MP का आपको फ्रंट कैमरा दिया जाता है। और बैटरी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है, 1000mAh ज़्यादा है जैसे कि मैंने बताया था कि 5000 होगा, बट उससे भी ऊपर है कुछ। तो यहाँ पर गाइस आपको 6000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। यहाँ पर हम अगर प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 का जो है तो ये थोड़ा ओल्ड प्रोसेसर है, बट गेमिंग के लिए आपके साथ 6GB एंड ये वाला प्रोसेसर अगर है तो आपका गेमिंग भी उतना अच्छा ही हो सकता है, बेकार नहीं होगा बट अच्छा खासा आपको यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। 18W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, तो उसके साथ यहाँ पर आपको साइड फिंगरप्रिंट दिया गया है, तो यहाँ पर Redmi 9 Power के साथ आपको साइड फिंगर भी दिया जाता है जो कि अच्छी एक स्पेसिफिकेशन है। और इसका अगर फुल आप डिटेल्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जैसे कि मैंने पहले से ही बताया है आपको सारे फ़ोन्स के लिंक देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ पर टैप करके आप उन सभी स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर गाइस जो अगला स्मार्टफोन है हमारा तो वो है Realme 7। तो यार यहाँ पर जैसे कि मैंने बता रहा था कि बहुत सारे जैसे कि हम ब्रांड का यहाँ पर एक एक करके कुछ स्मार्टफोन लेंगे, तो आपका भी अगर कोई भी ब्रांड आप चाहते हैं कि यार उस पर एक अच्छी खासी वीडियो बनाओ तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। और ज़्यादातर मैंने ब्रांड जो है तो मुझे जो अच्छे लगते हैं वो सारे ब्रांड मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, तो आप देख सकते हैं जैसे कि। और यहाँ पर जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ Realme 7 का, तो चलिए इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। इसका प्राइस है 14,999 रुपीज़, यानी कि आपको 15,000 के करीब ये स्मार्टफोन देखने को मिलता है। तो स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 6GB का रोम दिया जाता है और यहाँ पर गाइस एक डाउन रेंज है यानी कि इसका एक डाउनग्रेड भी है जैसे कि मैं बता रहा था। तो यहाँ पर आपको 64GB का स्टोरेज देखने को मिलता है, हाँ 128GB नहीं है, बट इसको लेने का एक कारण है क्योंकि इसका प्रोसेसर भी अच्छा है प्लस बाकी सारी चीज़ें अच्छे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी स्टोरेज कम है इसीलिए ये फ़ोन थोड़ा डाउन हो जाता है, बट बाकी सब ओके है।
तो जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दिया जाता है। उसके साथ ही 60 MP फ्रंट कैमरा 8-2-2, जैसे कि आपको पता है बहुत सारे छोटे छोटे कैमरे भी दिए जाते हैं, तो ये सभी लगे हुए हैं। और यहाँ पर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा दिया जाता है। उसके साथ ही 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। और यहाँ पर प्रोसेसर जो है तो वो मीडियाटेक हीलियो का G95 है। तो यहाँ पर ये प्रोसेसर भी अच्छा खासा है। और इसके बाद ही यहाँ पर गाइस बहुत सारे प्रोसेसर है जो कि नए हैं, बट ये भी नया है अभी मार्केट पर, और अच्छी खासी यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है इस वाले प्रोसेसर पर। तो यहाँ पर हम अगर बात करें चार्जिंग की, तो यहाँ पर आपको 30W का डार्ट चार्जर देखने को मिलता है। उसके साथ ही अगर हम एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि दिए गए हैं इस पर, तो यहाँ पर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो कि सब फ़ोन नहीं देते हैं इस प्राइस पॉइंट पर। और ये भी एक अच्छा खासा यहाँ पर स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि आपके अगर फ़ोन पर 90Hz या फिर 120Hz का रिफ्रेश रेट होगा तो आपका फ़ोन काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाता है। तो जैसे कि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इस पर भी 90Hz का यहाँ पर रिफ्रेश रेट है, Realme 6i है। और यहाँ पर गाइस इस पर भी मैं डिस्प्ले जो यूज़ करता हूँ तो काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पर 90Hz के साथ साथ आपको यहाँ पर साइड फिंगरप्रिंट भी दिया जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ पर गाइस बात करें हम अगले स्मार्टफोन की, तो यहाँ पर गाइस पोको के बहुत सारे स्मार्टफोन आते हैं जो कि इस प्राइस पॉइंट पर अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन देते हैं, बट कुछ स्मार्टफोन मैं चुनिंदा स्मार्टफोन आपके लिए लेके आया हूँ। तो और एक भी पोको का यहाँ पर हमारा फ़ोन है नेक्स्ट, तो चलिए देखते हैं कौन सा वो फ़ोन है। तो यहाँ पर गाइस अगला जो स्मार्टफोन है तो वो है पोको M2 Pro। अब देखिए इसका दो वेरिएंट है, एक तो था 13,000, एक तो है 15,000। तो यहाँ पर गाइस दो यहाँ पर आपको स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, जहाँ पर एक पर 64GB का यहाँ पर स्टोरेज मिलता है, एक पर 128GB का। तो यहाँ पर हमने जैसे कि बताया था कि आपको 128GB का स्टोरेज हम बताएंगे, तो चलिए देखते हैं अब इस वाले स्मार्टफोन पर। और उस वाले जो यहाँ पर 64GB का वेरिएंट है, मतलब रोम का जो वेरिएंट है वो है 13,000 के करीब, और यहाँ पर जो आपको 128GB का जो रोम दिया जाता है इसका प्राइस है 15,000। तो चलिए देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको 6GB का रैम दिया जाता है और 128GB का रोम है। उसके साथ यहाँ पर 6.67 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले है। तो हाँ, वाकई में इस जो ये जो डिस्प्ले है तो बड़ी है और अच्छे खासे गेमिंग के लिए भी है। आप यहाँ पर बड़ी डिस्प्ले यहाँ पर देख सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं कैमरे की। तो यहाँ पर आपको 48MP का कैमरा दिया जाता है। उसके साथ 8MP, 5MP एंड 2MP का जो एक्स्ट्रा है डेप्थ, माइक्रो, वो सभी कैमरे दिए जाते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरे की। तो यहाँ पर आपको 16MP का फ्रंट कैमरा दिया जाता है। उसके साथ ही 5000 mAh की बैटरी है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर है, जो कि एक वाकई में दमदार प्रोसेसर है। इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं और अच्छा खासा ये गेमिंग परफॉर्मेंस भी दे देता है आपको। तो यहाँ पर हम अगर बात करते हैं चार्जिंग की, तो यहाँ पर आपको 33W का चार्जिंग देखने को मिल जाता है, जो कि एक फास्ट चार्जिंग है। और उसके साथ यहाँ पर आपको यहाँ पर साइड फिंगरप्रिंट भी दिया जाता है, जो कि एक दमदार बात है। तो यार, जैसे कि मैं पहले से ही बता रहा था कि पोको के बहुत सारे स्मार्टफोन हैं जो कि इस प्राइस पॉइंट पर अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं, तो मेरे पास और एक भी पोको का स्मार्टफोन है और ये सभी जो है स्पेसिफिकेशन अच्छे, इसीलिए आपके सामने ये लाने ज़रूरी है, क्योंकि मैं टाइट बजट पर होता है। किसी किसी व्यक्ति का अगर टाइट बजट है कि यार 15,000 से 16,000 के करीब एक स्मार्टफोन बताओ, मतलब 15K के नीचे भी नहीं जाना चाहते, मतलब 1,000 का डिफरेंट है, या फिर 10,000 से 16,000 के बीच में एक स्मार्टफोन बताओ, तो आप अगर पोको का फ़ैन है तो यहाँ पर गाइस आपके लिए भी एक पोको स्मार्टफोन लाता है, जो कि एक अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन है। तो चलिए देखते हैं कौन सा वो स्मार्टफोन है। तो यहाँ पर गाइस इसका नाम है पोको X3। और यहाँ पर गाइस इसके प्राइस की अगर बात करें तो 15,499 रुपीज़ का ये फ़ोन आपको देखने को मिलता है। और हम अगर यहाँ पर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने डिस्प्ले पर। तो बेसिकली यहाँ पर हम अगर बात करें रैम की, तो 6GB रैम है, 128GB का रोम है। उसके साथ ही 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया जाता है। और यहाँ पर आपको 64MP का एंड 13MP, 2MP एंड 2MP का आपको यहाँ पर बैक कैमरा दिया जाता है। उसके साथ ही यहाँ पर फ्रंट कैमरा 20MP का फ्रंट कैमरा आपको दिया जाता है। और यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो हाँ, बैटरी बैकअप भी यहाँ पर आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर गाइस आपको बिग बैटरी दी गई है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अभी बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G दिया गया है, जो कि अच्छी है गेमिंग के लिए, तो अच्छी है भाई, आपके लिए चल जाएगा। पबजी, फ्री फायर जो भी है आप खेलते हैं वो चल जाएगा। तो बेसिकली अभी देखते हैं यहाँ पर रिफ्रेश
रेट की, तो यहाँ पर आप गाइस आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है, इसीलिए ये जो स्मार्टफोन है 15,499 रुपीज़ का प्राइस रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर गाइस इस फ़ोन पर काफ़ी अच्छे खासे चीज़ें देखने को मिलती है। और यहाँ पर गाइस 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है, मतलब बहुत ही स्मूथ है। आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ये 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट स्मूथ वाला स्मार्टफोन है। तो चलिए अब बात करते हैं चार्जिंग की, तो यहाँ पर आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो कि आपके 6000 mAh को काफ़ी जल्दी फास्ट चार्ज कर देता है। तो यार ये थे कुछ चुनिंदा स्मार्टफोन जो कि आपको बताना था। आप अगर ये सभी ब्रांड नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि यार कोई और ब्रांड का स्मार्टफोन ला के दो हमें जो कि इस प्राइस पॉइंट पर ही हो, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। और कौन सा आप अगर ब्रांड चाहते हैं कि यार इस ब्रांड पर वीडियो बनाओ, तो उस ब्रांड पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। तो यार आपको अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, उसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि यार गेमिंग स्मार्टफोन ये सभी है। तो चलिए यार आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।